नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एम डी क्लासेज में दोस्तों मैं हूं कुमार वर्मा क्या हाल चाल आप सभी लोगों का कैसे हैं सभी लोग शानदार हैं जबरदस्त टीएम सर मेरा ए वाला कोर्स शो नहीं कर रहा है एक बार आप जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है व्हाट्सएप नंबर पर दिखा रहा है उस पर आप फोन कर लीजिए समस्या का समाधान हो जाएगा एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट बताने की कृपा करें अभी इसके बारे में हम कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं जब तक एग्जैक्ट जानकारी नहीं प्राप्त होगी तब तक हम नहीं बता सकते हैं आकाश अभिषेक तारीख अंजलि बादशाह जितेंद्र अशोक चौरसिया वेरी गुड आफ्टरनून सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार है ढेर सारा प्यार है सम्मान है आशीर्वाद है शुभकामना है तारीख बहुत अच्छे हैं टी अच्छा एस किए थे मैं एक मिनट अभी बात कर लेता हूँ अभी मैं बात कर लेता हूँ आपका समाधान अभी करवा देता हूँ अभी करवा रहा हूँ प्रमोद पांडे जी जय हो कुमार वर्मा सर की वाह वाह रोहित गुप्ता चौधरी साहब राम राम आकाश सुनील कमलेश आकाश तो दोस्तों आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो ई गवर्नेंस है यानी ई गवर्नेंस से संबंधित जितना भी मैंने पेट क्लास में पढ़ाया है उन सभी थ्योरी के आधार पर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बना हुआ है वो क्वेश्चन आपको देखने को आज मिलेगा तो बहुत सारा कुछ आज नया सीखने को मिलेगा बहुत सारा नया सीखने को मिलेगा आवाज़ कम नहीं आ रहा अभी तो इंजन स्टार्ट नहीं हुआ ना अभी तो इंजन बस ढकर <laughs> पकड़ चल रहा है बस अभी इंजन स्टार्ट होने वाला बस अभी आ जाएगा जितेंद्र जितेंद्र बाबू डोंट वरी डोंट वरी अभी आ रहा आवाज़ अभी आ रहा है अभी आ रहा है रोहित गुप्ता जितेंद्र लॉरेंस बिश्नोई जी बुलाया हूं बोला हूं नहीं वॉइस प्रॉब्लम सब अंजलि सिंह क्या कर रही हैं नहीं वॉइस प्रॉब्लम सब ठीक है आवाज़ वगैरह सब अब सही है ना आवाज़ सीखा ठीक है हाँ इंजन स्टार्ट है बस रेस नहीं पकड़ा है बस अब रेस पकड़ने वाला है रेस पकड़ने वाला है सर आपके मॉक टेस्ट में बहुत क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है अच्छा अच्छा वो आंसर हो सकता लगाने में गलत टाइप कर दिए हो हो सकता हो ऐसा हो सकता है टीएम लास्ट नोटिफिकेशन आ रहा है अभी आपका समस्या निदान होगा बस अभी कोई आ जाए यहाँ पर टेक्निकल व्यक्ति अभी मैं बोलता हूँ आपका काम हो जाएगा <coughs> बस बोल दिया हूँ अभी कोई आ रहा है आइए चलते हैं देखा जाए क्या क्या सवाल है आज का सेट नंबर 113 आपके सामने है आइए देखते हैं आइए देखते हैं ये ढोला है। लोकप्रिय ढोला लोकगीत लोकप्रिय कहाँ का है तो ढोला के बारे में याद रखिएगा ढोला ये कहाँ का है आगरा मेरठ का है तो आगरा और मेरठ का यह लोकप्रिय लोक लोकप्रिय लोकगीत कहा जाता है ठीक है यार देखा बहुत अच्छी बात है सभी लोगों ने आंसर दिया है यहाँ पर इन्होंने कहा है कि राजू पब्लिकेशन है तो मैं बताया था राजन है यूथ है ये प्रभात पब्लिकेशन भी आ गया है शायद किताब मैंने अभी नहीं देखा है एक बार आप सभी लोग इसको भी लेकर के लगा लीजिए पंचायत सहायक बनने की योग्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है कौन सा विकल्प गलत है इधर देखिएगा यहाँ देखिएगा बात हो रहा है कि पंचायत सहायक बनने के संबंध में पंचायत सहायक बनने के संबंध में बात कर रहा है योग्यता के संबंध में निम्न कौन सा विकल्प गलत है बताइए सभी लोग बताइए अंजलि अर्जुन 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 तो महाभारत में भी भारी था और वही अर्जुन इसी एम डी क्लास में भारी है ये भाव कहाँ चलिए कहाँ गए देख? इसमें देखिए क्या टी एम उनका कुछ समस्या है जरा ऊपर करिए टीएम एक बार टीएम अगर आप देख रहे हो हमको तो एक बार लिखिए हाँ और ऊपर जाइए और ऊपर जाइए इधर देखिएगा यानी पहली बात देखिए उसे स्थानीय क्षेत्र का निवासी होना आवश्यक है यानी पंचायत सहायक बनना है तो जिसे पंचायत सहायक का जो रिक्रूटमेंट आता है तो प्रधान क्या करता है जो वर्तमान प्रधान जो तत्कालीन प्रधान होता है वो पूरी तरीके से जा करके क्या करता है जो पंचायत कार्यालय होता है उसके पटल पर रख देता है ठीक टीएम साहब आपके लिए आपके लिए काम हो गया है जो नंबर दिया गया उस पर फोन करिए फटाक से ना टीएम अगर आप बात सुन रहे हो तो उस पर फोन कर लीजिए आपका काम हो जाएगा दूसरी बात है इंटरमीडिएट पास करना आवश्यक है तो पहली बात भी सत्य है दूसरी बात भी सत्य है तीसरा है अठारह से चालीस वर्ष की आयु होनी चाहिए वही व्यक्ति फार्म भर सकता है ये भी बात सही है लेकिन 18 से 40 वर्ष की उमरिया में ध्यान दीजिएगा इसमें एक बात बात याद रखना है कि जैसे ओबीसी वर्ग है एससी है एसटी है इनको आरक्षण भी यहाँ पर मिलता है तो मान लीजिए ओबीसी है एससी है है इन सबको आरक्षण देने का भी प्रावधान यहाँ पर किया गया है तो सवाल का आंसर क्या हुआ डी हो गया है ना डी हो गया बात समझ गए ना गलत पूछा कोई गलत है ये नहीं है चल आगे देखा जाए मोबाइल पब नेक्स्ट सवाल देखा जाए पंचायत सचिव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है कौन सा विकल्प यहाँ गलत, गलत है गलत की बात कर रहा है पहला देखिए कहता क्या पहला क्या कह रहा है ना पहला क्या कह रहा है अर्जुन कुमार अच्छा बहुत अच्छी बात है चलिए इधर देखिए सवाल का आंसर इसका कार्य यानी पंचायत सहायक का कार्य ग्राम सभा की बैठक की सूचना जारी करना तो बैठक की सूचना को जारी करने का काम किसका होता है पंचायत सहायक का होता है दूसरी बात देखिएगा ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों का विवरण तैयार करना भी इसका काम होता है यानी जो विवरण तैयार होता है ग्राम सभा की बैठक में जो जो लोग भाग लेते हैं उनके सदस्यों का पूरा विवरण खाका तैयार करना काम होता है धन के लेखा जोखा न, का कार्य नहीं करता है तो धन के लेखा जोखा का कार्य भी ये करता है यह कार्य भी करता है ध्यान दीजिएगा हल्का हल फुल्का अकाउंटिंग का भी काम करता है यह धन के लेखा जोखा का भी कार्य करता है यही आपके सवाल का आंसर हो गया इसका मुख्य कार्य कार्यक्रम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव का रिकॉर्ड रखना और उसे क्रियान्वयन में, में मदद करना यह भी बात सत्य है तो ये सी वाला असत्य है क्योंकि जो पंचायत सचिव होता है वह लेखा जोखा भी रखने का कार्य करता है ठीक है ना चलिए आगे आइए देखा जाए और देखो टीएम साहब बोले टीएम आ गया है देख लीजिए क्या बोल रहा है चलिए अगला देखिएगा प्रत्येक ग्राम सभा का एक ग्राम कोष होता है लिखिएगा जहरवा पीलाए बाबू जहरवा पीला बाबू घोल करके नहीं तो आगे आप जानते हैं नाच मेरी बुलबुलला तो पैसा मिलेगा इधर देखिए चलिए बताइए सभी लोग बताइए कौन सा हो जाएगा वस्तु कोष है श्रम कोष है अन्न कोष है कौन सा हो जाएगा सवाल का आंसर बड़ा ही महत्वपूर्ण है चलो बाबू यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले बात किया जाए तो प्रत्येक ग्राम सभा का एक ग्राम कोष होता है एक ग्राम कोष होता है वो ग्राम कोष कौन कौन सा होता है तो देखिए एक तो आपका क्या हो गया एक आपका वस्तु कोष हो गया एक श्रम कोष हो गया एक अन्न कोष हो गया बचा कौन सा तो आपका यातायात कोष नहीं होता है यातायात कोष नहीं होता है एक आपका धन कोष होता है धन कोष इसमें छूटा है यह आपका क्या है धन कोष है तो कितने हो गए चार हो गए यानी हो गया वस्तु कोष हो गया श्रम कोष हो गया अन्न कोष हो गया जैसे मान लीजिए ग्राम सभा के द्वारा कोई कार्य कराया जा रहा है तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो चंदा दे देते हैं पैसा दे देते हैं तो क्या हो गया धन कोष में जमा हो गया कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं है उन्होंने मैन पावर दे दिया मतलब जा कर के खड़े हो गए काम कर दिए इसका मतलब श्रमदान कर दिए तो श्रम कोष में बोल दिया गया भैया कुमार वर्मा के पास पैसा नहीं था कुमार बाबू ने क्या किया है इन्होंने श्रमदान किया है तो श्रमदान एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है तो ग्राम सभा को मिल गया तो श्रमदान कोष में इसी प्रकार से कोई वस्तु अगर दान करता है तो वस्तु कोष में जमा हो गया अन्न देता अन्न देता है तो अन्न कोष में जमा हो गया ठीक यातायात कोष कोश कौन नहीं होता चाट ही होता है ये चारों याद रखिएगा यही चारों आपका होता है ना यही चारों आपका होता है बात यहां पर ध्यान देना है ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते अगला सवाल देखिएगा स्मार्ट शासन के संबंध में आर शब्द का मतलब क्या होता अब आपका है ई गवर्नेंस आपका स्टार्ट हो गया खेला इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है ना इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस स्टार्ट करने के पीछे उद्देश्य यह होता है कि सभी व्यक्तियों को जो भी योजनाएं हैं जो भी सूचनाएं हैं तत्काल प्रभाव से मिल जाए कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े है ना कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े लोगों को पारदर्शिता लाई जा सके इसीलिए ई गवर्नेंस संचालित है यानी तत्काल प्रभाव से इसमें आउटपुट ज्यादा मिलेगा तो इस स्मार्ट का मतलब क्या होता देखिएगा इस स्मार्ट का मतलब यहां पर क्या होता है सबसे पहले यस का मतलब क्या होता है इस का मतलब होता सिंपल यश का मतलब क्या होता सिंपल हो गया पहली बात ध्यान दीजिएगा दूसरी बात याद रखिएगा जिसको कहा जाता सरल इसके बाद यम है तो यम का मतलब क्या होता है एम का मतलब होता है मोरल एम का मतलब मोरल होता है जिसको नैतिक कहा जाता है तो ये आपका नैतिक हो गया इसके बाद फिर देखिए ए ए का मतलब क्या होता है कहेंगे अकाउंटेबल होता है ये अकाउंटेबल होता है तो अकाउंटेबल अकाउंटेबल का मतलब अकाउंटेबल का मतलब जवाबदेही ठीक उसके बाद देखा जाए ए हो गया ए के बाद आर हो गया तो आर का मतलब क्या हुआ रिस्पॉन्सिव क्या हुआ रिस्पॉन्सिव हुआ रिस्पॉन्सिव का मतलब जवाबदेही हो गया इसी प्रकार से आपका क्या है टी है टी का मतलब क्या होता है टी का मतलब कहेंगे ट्रांसपेरेंट ये ट्रांसपेरेंट है तो ट्रांसपेरेंट होता है जिसका मतलब पारदर्शी होता है तो इस मतलब होता है ना बात समझ गए तो स्मार्ट गवर्नेंस है ना स्मार्ट गवर्नेंस सिंपल साधारण है आसान है मोरल नैतिक है अकाउंटेबल है अकाउंटेबल है रिस्पॉन्सिव है ट्रांसपेरेंट है तो ये सब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाकी कहता है कि आर शब्द का मतलब क्या होता तो आर का मतलब क्या हुआ रिस्पॉन्सिव हो गया ना तो सवाल का आंसर क्या हुआ हो गया। सवाल का आंसर हो गया। लिख लीजिएगा अरे दादा हो दादा जहर लिखिएगा जहर ई गवर्नेंस की उत्पत्ति की बात कर रहा है अगर सबसे पहले उत्पत्ति की बात किया जाए पापा की शेरनी वाह लॉरेंस भैया अगर ई गवर्नेंस की उत्पत्ति की बात कर दिया जाए तो सबसे पहले देखा जाए तो उन्नीस ईस्वी में कहाँ हुआ है तो आप कहेंगे अमेरिका रक्षा बी, रक्षा के रक्षा रक्षा विभाग के द्वारा अमेरिका में हुआ किसके द्वारा हुआ था सबसे पहले तो आप कहेंगे रक्षा विभाग द्वारा रक्षा विभाग के द्वारा सबसे पहले ई गवर्नेंस की शुरुआत हुआ था उन्नीस में यानी सबसे सब पहले इस रक्षा विभाग में जितने भी कंप्यूटर थे इन सभी कंप्यूटर्स को लाइन के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया गया था सबसे पहले लेकिन भारत की बात कर रहा है तो भारत का जमाना याद रखिएगा 1970 1970 में याद रखिएगा भारत में ई गवर्नेंस की उत्पत्ति मानी जाती है जनगणना को आधार मान करके यानी जनगणना जनगणना और साथ में चुनाव हुआ था और कुछ टैक्सेशन सिस्टम था इसी के साथ के साथ क्या हुआ था ई गवर्नेंस का शुरुआत माना जाता है तो सबसे पहले ई e गवर्नेंस की उत्पत्ति अपने भारत देश में कब होता है तो आप कहेंगे 1970 में होता है ठीक 1970 सौ में होता है कैसे होता है तो जनगणना चुनाव के साथ ई गवर्नेंस शुरुआत माना जाता है कुछ कर कर भी इसमें शामिल था टैक्स भी शामिल था उसको भी लेकर के साथ में चला गया था तो ये हो गया भारत में बात कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना कब हुआ है इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट का स्थापना कब हुआ है ना इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा है कब हुआ है जिसको कहा जाता है देखा बाबू कब होता है इलेक्ट्रॉनिक विभाग का स्थापना तो इलेक्ट्रॉनिक विभाग का स्थापना कब होता? होता है 78 79 70 80 में कब होता है चलिए जल्दी बताइएगा कब होला 70 में राम राम भैया राम राम सर पेपर के पहले एक बार और फीस देना पड़ेगा कोनो फीस फास नहीं देना पड़ेगा कोनो फीस पास नो फीस पास ओनली ओनली कंटेंट इज लेइंग है ना नो फीस इज लेइंग यार देखा कौन हो जाएगा आप कहेंगे सत्तर में ठीक है ना उन्नीस सौ सत्तर में याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की स्थापना की बात कर रहे हैं ठीक है ना आगे बात करते हैं राष्ट्रीय सूचना केंद्र की स्थापना लिख लीजिएगा जहर बात है ये लिखिएगा जहर बात है कहेंगे काहे जहर बात है देखिए किताबों में आपको अलग मिल सकता है किताबों में कहीं कहीं आपको छिहत्तर मिल सकता सतहत्तर मिल सकता है लेकिन है ना पर राष्ट्रीय सूचना केंद्र की बात हो रहा है यानी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की बात कर रहा है ठीक है इंफॉर्मेश इंफॉर्मेशन सिस्टम तो नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम है सेंटर है इसका स्थापना कब हुआ है चलिए बताइए कब हुआ है तो छिहत्तर में हुआ है ठीक है छिहत्तर आपके सवाल का आंसर हो गया बात समझ गए चलिए चलिए तो बात अब सब राष्ट्रीय सूचना केंद्र की स्थापना ये बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अगला सवाल देखा जाए यहाँ पर कहा जा रहा है दो प्रकार का इंडेक्स है इनको मिलान करना है जरा समझिए सवाल क्या है सवाल समझिए क्या है सवाल है कह रहा है उन्नीस में कौन आया है 2000 में किसका स्थापना हुआ 2002 में किसका स्थापना हुआ 2006 में किसका स्थापना हुआ ये समझिए और बताने का प्रयास करिए चलो भा चलिए बताने का प्रयास करिएगा सभी लोग फीस देना होगा तभी एडमिट कार्ड आएगा अच्छा फीसिया तो वहाँ देना पड़ेगा एम क्लास क्लास में नहीं देना पड़ेगा है ना यहाँ क्लास में ही देना आपको कोई फीस फोस ठीक जिम्मेदारी लिए हैं तो जिम्मेदारी तो निभाएंगे ना चलिए जल्दी बताइए पीयूष कुमार जी सन्नाटा छा गया क्लस वम हो दो प्रकार के इंडेक्स को मिलान करना है देखिए कह रहा है कि उन्नीस में किसका स्थापना हुआ है बताइए अर्जुन आर्ट का डी सी अच्छा लॉरेंस कह रहे हैं सी डी बी ए सी डी बी ए सी डी बी ए क्या बात है क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है देखा सबसे पहले बात करते हैं देखा जाए सी डी बी डी बी है कि सी है कि कौन है आइए देखा जाए देखिए सबसे पहले देखा जाए तो उन्नीस सौ निन्यानवे में किसका स्थापना होता है तो भारत में आई टी मंत्रालय का स्थापना कब होता है तो आप कहेंगे ये होता है गुरु जी सबसे पहले उन्नीस सौ निन्यानवे में उसके बाद देखा जाए तो 2000 में कौन है तो 2000 में देखा जाए तो ये राष्ट्रीय गवर्नेंस का जो स्थापना हुआ है राष्ट्रीय गवर्नेंस का स्थापना ये हुआ है 2006 में ठीक तो ये भी मिल गया यानी चार का क्या हो गया ए हो गया उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट कोर आ, स्मार्ट गवर्नेंस की बात कर रहा है इसका स्थापना कब हुआ दो में हुआ है इसका दो में हुआ है इसका मतलब बी हो गया ठीक तीसरा देखा जाए तो आई हो ही गया ए वाला हो गया अब इसके बाद देखा जाए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, तो कब हुआ दो में हुआ ठीक तो बात आप समझ गए नहीं यहाँ गड़बड़ हो गया कुछ कुछ गड़बड़ हो रहा है ऐसे मिलाया जाए इधर देखिएगा तो उन्नीस सौ में कब हुआ आईटी मंत्रालय हो गया 2006 में राष्ट्रीय गवर्नेंस का स्थापना होता है 2002 में किसका होता है तो आप कहेंगे गुरु इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का होता है 2002 में किसका होता है तो ये हो गया आपका ठीक तो कुल मिलाकर के ए का आपका सी हो गया बी का आपका किसका हुआ डी हो गया और तीन का क्या हुआ बी हो गया बच गया आपका सी डी बी सी डी बी ए डी आ रहा है तो डी सबका आ रहा है एकदम सही आंसर है बात समझ गए हैं, आगे देखा जाए निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा नहीं है सुमेलित कौन सा नहीं है बात किया जा रहा है चलो भा जल्दी बताइएगा सुमेलित कौन सा नहीं है बताने का प्रयास करें जुलाई 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत हुआ था अच्छा बात कर रहा तो ये तो बात सही है 2015 में डिजिटल मिशन इंडिया आया था ये तो बात सही है डिजिटल इंडिया मिशन आया था 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्थापना किया गया था ये भी बात सत्य है और आई मंत्रालय का स्थापना दो उन्नीस में दिया है और पीछे अभी आप देखिए आई मंत्रालय का स्थापना कब हुआ है आई मंत्रालय का स्थापना कब हुआ आई टी मंत्रालय का स्थापना कब हुआ है है ना ये आई मंत्रालय का स्थापना कब हुआ तो यही तो आप लगाए थे यहाँ पर यही पीछा लगाए थे देखिए यहाँ पर लगाए हैं यहाँ से निन्यानवे से आई टी मंत्रालय तो मंत्रा का स्थापना संतानवे में हुआ और बाकी दो हजार में इंफॉर्मेशन तो सवाल का आंसर क्या हुआ सी हो गया यही गड़बड़ है ये कब हुआ है निन्यानवे में हुआ है में इसका स्थापना किया गया है चलिए आगे बढ़ा जाए अगला सवाल है ई गवर्नेंस में कुल कितने स्तंभ होते हैं कितने स्तंभ होते हैं ई गवर्नेंस में एकदम जहर बात है चलिए ये भी बात एकदम जहर है तो जहरवा है बात बताइएगा सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा सवाल का आंसर आकाश बाबू का हो ई गवर्नेंस में कितने स्तंभ होते हैं आकाश जी कह रहे हैं सी मारा जाए चौधरी साहब कह रहे हैं डी को गोली मारा जाए न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से सवाल बच नहीं पा रहा है आकाश के मार से <laughs> चलिए सर मेरा क्लास चालू हो जाएगा सर तू का लिखे बाऊ टीएम साहब बिचवा में का लिख दिए हैं ये कौन भाषा है चाइनीज है क्या है देखा ई गवर्नेंस देखिए आपकी का आपका काम हो गया नंबर पा गए गया लीजिए ई गवर्नेंस में कितने स्तंभ होते हैं कहेंगे चार ठो तो स्तंभ होता है चार स्तंभ होता है चारों स्तंभ में देखिए कौन सा होता है तो आप कहेंगे गुरु जी सबसे पहले जो होता है वो क्या होता है पीपल होता है पीपल का मतलब सबसे पहले इसमें लोग शामिल होते हैं यानी ई गवर्नेंस में सबसे पहला जो स्तंभ है कौन है जनता है पहली बात समझ गए अच्छा बंगाली भाषा है ठीक ठीक हम नहीं जान रहे थे बाबू दूसरा तो देखिएगा दूसरा कौन सा होता प्रोसेस होता है अब दूसरा इसमें क्या होता प्रोसेस होता है प्रोसेस का मतलब क्या हुआ प्रक्रिया इसमें शामिल होता है दूसरा स्तंभ होता है ई गवर्नेंस का ठीक तीसरा स्तंभ कौन सा होता तीसरा याद रखिएगा इसमें क्या होता तो आप कहेंगे टेक्नोलॉजी होता है टेक्नोलॉजी का मतलब हुआ प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल इसमें किया जाता है ये आपका प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया इसके बाद देखिए चौथा कौन सा स्तंभ है तो चौथा आप कहेंगे गुरु जी रिसोर्सेस है रिसोर्सेस है रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है संसाधन होता है ये संसाधन होता है ये आपके चार क्या हो गए यही चार आपके ई गवर्नेंस के स्तंभ माने जाते हैं ना चार स्तंभ माने जाते हैं कौन कौन पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी रिसोर्सेस ठीक बात समझ गए चलिए तो ई गवर्नेंस इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में यही चार स्तंभ के आधार पर कार्य किया जाता है सबसे पहले लोग शामिल होते हैं उनके लिए प्रक्रिया स्टार्ट होता है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है साथ में संसाधनों को देखा जाता है नेक्स्ट सवाल देखा जाए ई e गवर्नेंस में सहभागिता के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है कौन सा विकल्प गलत है ई e गवर्नेंस में बात कर रहा सहभागिता सहभागिता के संबंध का मतलब हुआ आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक होना जैसे जी टू जी आप जानते हैं जी टू जी इसका मतलब क्या है ये आपका सरकार से सरकार का मतलब हुआ जी टू जी ये जी टू जी का मतलब हुआ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है ना जैसे सरकारी विभाग अलग अलग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है ना है कि नहीं तो वो क्या है जी टू जी हो गया जी टू सी हो गया आपका ये ये जी टू सी कहा जाता है यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन होता है जैसे मान लीजिए कोई योजना आता है है ना सरकारी कर्मचारी जो हैं कोई योजनाओं का लाभ लेना हो लोगों को सरकार से ले लेते हैं और ये देखिए ये आपका क्या है तो ये आपका जी टू बी है ये आपका जी टू बी होता है यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस होता है तो ये सरकार से घरेलू कार्य को होता है का? कहेंगे जी नहीं बिल्कुल नहीं होता है एक कौन सा होता देखिए एक कौन सा होता तो एक आप याद रखिएगा एक जी टू होता है एक जी टू होता है यानी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय होता है इसी को बोलते हैं गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय गवर्नमेंट टू क्या होता है एम्प्लॉय होता है तो गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय ये बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ठीक है ना तो यही ई गवर्नेंस में सहभागिता के संबंध में चार प्रकार का सहभागिता बताया गया यानी ई गवर्नेंस के अंतर्गत चार प्रकार का सहभागिता है G2G, G2C, G2B और कौन सा है गवर्नमेंट 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 टू 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 सिटीजन बिजनेस ठीक चलिए बात समझ गए तो डी हो गया सवाल का आंसर अगला देखा जाए इनमें से किसका प्रयोग केवल सूचना के लिए किसका प्रयोग केवल सूचना के प्रचार के लिए किया जाता है सूचना के प्रचार के लिए जैसे मान लीजिए ये एम डी क्लासेस चैनल चला रहा है मान लीजिए एम डी क्लासेस आपका टेलीग्राम आपका यूट्यूब चैनल है अगर जैसे हमारे साथ इसमें वर्तमान में, में पीयूष बाबू हैं जितेंद्र हैं आशीष खत्री हैं और चंद्र प्रकाश हैं जय श्री राम भैया हमरे हैं विवेक बाबू हैं और संजय सिंह हैं सभी लोग हैं तो मैं आप लोगों से अपनी बातें जो रख रहा हूँ जो भी मैं समझा रहा हूँ आप समझ रहे हैं और उधर से कुछ पूछ पाछ भी रहे हैं आप सभी लोग तो ये हमारा आपका कम्युनिकेशन हो गया यानी खुल्लम खुल्ला प्लेटफॉर्म है जिसमें हम भी बोल रहे हैं आप भी बोल रहे हैं बातचीत हो रहा है यानी ये टू वे कम्युनिकेशन हो गया लेकिन जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे शॉर्ट वीडियो बन गया है ना शॉर्ट वीडियो बना करके हम लोग डाल दिए है ना एम डी क्लासेस पर आपने देखा तो हम लोगों ने सूचना दे दिया आपको क्या कुछ आप बोल पाए बाद में कमेंट या दिए गुरु जी बड़ा बढ़िया भावकाली लग रहा हैं आप तो है गर्दा मेंटेन है आपका यही सब कहेंगे आप वन वे कम्युनिकेशन है अगर मान लीजिए कमेंट ऑफ कर दिया जाए केवल आप हमारी बात को सुनें वो वन वे कम्युनिकेशन हो जाएगा तो किसका प्रयोग केवल सूचना के प्रचार के लिए किया जाता है सूचना प्रचार के लिए किसके लिए होता है तो आप कहेंगे वन वे कम्युनिकेशन जैसे न्यूज वाले हैं कोनो न्यूज दे दिए टेलीग्राम पर हम लोग कोनो न्यूज दे दिए क्या हुआ वन वे कम्युनिकेशन हो गया जिसपे आप लोग कुछ सवाल जवाब ना कर पाए अपनी राय ना रख पाए चलिए जय श्री राम हेर देखा उर्ध्वाधर एकीकरण के संबंध में निम्न क्रम को लगाना है लिखिएगा जहरवा बाबू जहरवा पिया बाबू <laughs> अंजलि अंजलि बताइए अनुज शुक्ला कमलेश जी जय श्री राम लाइव क्लास में ऐड आ जा रहा था इसमें हम नहीं कुछ कर सकते हैं आई कैन नॉट डू समथिंग चलिए नेटवर्क इशू फिर से होने लगा नेटवर्क हो रहा है इशू दिक्कत आता है उर्ध्वाधर एकीकरण के संबंध में देखिए एक जो एकीकरण होता है उर्ध्वाधर होता है एक आपका क्षैतिज होता है आइए हम आपको समझाने का प्रयास करता हूँ जैसे देखा जाए मान लीजिए मान लीजिए ये आपका केंद्र है मान लेते हैं केंद्र है केंद्र इधर क्या है ये मान लीजिए केंद्र है समझिएगा मान लेता हूं ये केंद्र है केंद्र के नीचे क्या आएगा राज्य आएंगे बहुत सारे राज्य आएंगे राज्य के नीचे क्या आएगा जिला आएगा जिला के नीचे क्या आएगा तो आप कहेंगे गांव आएगा आएगा नहीं आएगा कहेंगे आएगा ग्राम आएगा तो बहुत सारे ग्रामों को मिलाकर के जिला बहुत सारे जिलों को मिला के राज्य बहुत सारे राज्यों को मिला के केंद्र बन गया ये आपका उर्धवाधर एकीकरण है इसी को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर एकीकरण यही आपका क्या है तो ये आपका उर्ध्वाधर है उर्ध्वाधर एकीकरण कहा जाता है धर एकीकरण आपका यही है लेकिन क्षैतिज एकीकरण का मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए केंद्र तो एक का है ना केंद्र एक ही है लेकिन राज्य तो बहुत सारे राज्य राज्य आपस में कम्युनिकेट करें अगर राज्य राज्य आपस में कम्युनिकेट करें अगर तो क्या हो जाएगा ये क्षैतिज हो जाएगा राज्य राज्य अगर कम्युनिकेट करें आपस में क्षैतिज हो जाएगा इसी प्रकार से बहुत सारे जिला हैं सब जिला जिला आपस में करें सब क्या करें जिला जिला आपस में करें सब गांव 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 आपस में जुड़े हो तो क्या हो जाएगा क्षैतिज हो जाएगा ये सब हो जाएगा सर ऑप्शन कहा मिल रहा है इनमें ठीक है तो कुल मिला करके देखा जाए तो क्या होगा ये क्षेत्रीज हो गया ये क्या हुआ कैतीज हो गया ये क्षेत्रीज एकीकरण कहा जाता है यही आपका छतिज एकीकरण है ये बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मैं पेड क्लास में आपको पढ़ाया हूँ समझें आप सभी लोग तो यहाँ पर द्वाधर एकीकरण में सबसे पहले कौन आएगा सबसे पहले आएगा केंद्र आएगा यानी केंद्र आएगा डी आएगा डी के बाद कौन आएगा राज्य आ जाएगा बी आ जाएगा राज्य के बाद क्या आ जाएगा जिला आ जाएगा ए आ जाएगा उसके बाद क्या आ जाएगा तो आप कहेंगे सी आ जाएगा यानी डीबीएसी डीबीएसी डीबीए सी कौन सा हो गया डी हो गया शांत हो गया ठीक चलिए बात आप समझ गए डी हो गया अगला सवाल देखा जाए नेक्स्ट सवाल देखा जाए निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है चलिए जल्दी बताइए सभी लोग सरकार ये आपको क्या करना है ये कमेंट आना है ये सवाल मैं आपको दे रहा हूँ आप लोग एक, एक, एक दो सवाल तो मैं देता हूं तो ये आपको अब आप ई गवर्नेंस एक बार रिवाइज कर लीजिएगा उसके आधार पर इसको जो है आंसर दीजिएगा चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए भारत के प्रमुख ई गवर्नेंस पहल के तहत निम्न में से कौन शामिल नहीं है यानी ई गवर्नेंस पहल के तहत पहल के तहत यह पहल लिखा है पहल पहल के तहत निम्न में से कौन सा शामिल इसमें नहीं है तो देखिए जो डिजिटल इंडिया मिशन यह शामिल है कि नहीं है कहेंगे जी हाँ बिल्कुल शामिल है इसमें यहां पर राष्ट्रीय विज्ञान राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र भी इसके अंतर्गत शामिल है राष्ट्रीय ई शासन योजना भी ई गवर्नेंस के अंतर्गत शामिल है बचा कौन सा कहेंगे यही बचा यही बचा ना कहेंगे हाँ। मनोरंजन इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो और भी इसके अंतर्गत जैसे देखा जाए ई गवर्नेंस के अंतर्गत और भी शामिल है जैसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार होता है ये क्या हुआ आपका राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार गवर्नेंस क्या है पुरस्कार है तो ये भी आपका शामिल है तो ये भी बात आप यहां ध्यान दीजिएगा ठीक है ना ये भी बात समझ गया राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन भी इसके अंतर्गत शामिल है बहुत सारा शामिल इसमें है चलिए आगे बढ़ा जाए डिजिटल इंडिया के कुल कितने स्तंभ हैं लिख लीजिएगा यह भी बात लिखिएगा जहर सवाल यहाँ पर डिजिटल इंडिया के कुल कितने स्तंभ है बात कर रहा है और पीछे आपने देखा है पीछे आपने क्या देखा है पीछे आपने ये देखा है ई गवर्नेंस के कुल कितने स्तंभ हैं यहां पर आपने देखा था ई गवर्नेंस के कितने स्तंभ हैं यही आपने देखा था और यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है डिजिटल इंडिया के कुल कितने स्तंभ हैं कितने स्तंभ हैं डिजिटल इंडिया के चलो बाबू? क्या बताएंगे सवाल का आंसर सात आठ नौ दस कितने हैं आई देखा नाच गाना शुरू हो गया क्लास में बाबू नाच भी चल रहा है गाना भी चल रहा है वाह कमलेश चलिए रिवाइज कर लीजिएगा एक बार सभी लोग रिवाइज कर लीजिएगा कितना स्तंभ है कहेंगे नौ स्तंभ कितना स्तंभ है नौ स्तंभ है, है अब नौ स्तंभ लिखूंगा बहुत तो टाइम लग जाएगा ठीक है जा, तो तो की आवश्यकता नहीं है नौ आप एक बार देख लीजिएगा आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं ठीक तो नौ स्तंभ इसके अंतर्गत आता ध्यान देखा जाए आई टी का संक्षिप्त नाम क्या है आईसीटी का संक्षिप्त नाम क्या है आई का संक्षिप्त नाम चलिए बताइए ओके okay, चलिए यहां पर आईसीटी का संक्षिप्त नाम क्या है आपने ई गवर्नेंस पढ़ा है तो ई गवर्नेंस में आईसीटी भी, भी पढ़ा होगा ना चौधरी साहब आईसीटी भी पढ़ा होगा सीआरआ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है अरे वाह क्या बात है एकदम सही बात है आईसी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है ना? है ना? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ठीक है ना चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान कब प्रारंभ किया गया है राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान की बात कर रहा है यानी नेशनल डिजिटल मिशन कहा जाता है नेशनल डिजिटल मिशन यही आपका नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन आपका है ये कब स्टार्ट हुआ है बात कर रहा है 19 में 20 में 21 में 22 में कब हो जाए हो गया अर्जुन बाबू जल्दी बताएं राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता उन्नीस का अरे बाबू अरे बाबू यार देखा राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान कब शुरू हुआ है जल्दी बताइए उन्नीस में बीस में इक्कीस में बाईस में क्या किया जाए क्या किया जाए नमस्कार सर बागी पलिया की धरती से अच्छा हमें लगा बागी कोई बन गया क्या हमें स, सनी कुमार यादव हम पहले घबरा गए हम कहे बागी कौन बन गया अचानक आपको देखा रे वास नमस्कार नमस्कार बागी बलिया धरती में अचानक यूट्यूब खोला तो आपको देखा बहुत अच्छी बात है ये तो भौकाल हमारा है बाबू आप लोगों ने बना दिया है <laughs> चलिए इधर देखिए सवाल कह रहा है ये राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम कब आया है तो आप कहेंगे ये आया है वो 2020 में आया है तो ये बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ठीक है ना बात आप समझ गए अब ये जो आपका राष्ट्रीय साक्षर राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान आया है इसमें जितने भी जितने भी आशा कार्यकर्ता हैं जितने भी आशा कार्यकर्ता हैं आशा कार्यकर्ता हैं और साथ में जितने भी राशन डीलर्स हैं जितने भी राशन डीलर्स हैं इन सभी को क्या किया जा रहा है आई का ट्रेनिंग यानी इन्फॉर्मेशन ऑन टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग यहाँ पर दिया जा रहा है तो ये बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2020 में आया है और यही लिखा राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान यानी इलेक्ट्रॉनिकली अगर देखा जाए तो लोगों को साक्षर बनाना आशा कार्यकर्ता को राशन डीलर जो भी हैं उनको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रशिक्षण प्रशिक्षण दिया जा रहा है इसके माध्यम से नेक्स्ट सवाल देखा जाए अगला है राष्ट्रीय गवर्नेंस प्रोग्राम कब आया है राष्ट्रीय गवर्नेंस प्रोग्राम कब आया है एकदम जबरदस्त सवाल है बात यहां पर ध्यान दीजिएगा राष्ट्रीय गवर्नेंस प्रोग्राम कब आया है बात कर रहा है चलिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस इसी को नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम कहा जाता है ना यही आपका एन है यही आपका एन ई जी में यहां लिखा होता है नेशनल नेशनल इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस प्रोग्राम एन ये बात समझ गए तो कब हुआ है एकदम सही आंसर आ रहा सबका 2006 में 2006 में स्टार्ट किया गया है यह बात याद रखिएगा अब यह जो स्टार्ट किया है इसको स्टार्ट इस करने के लिए दो मंत्रालय है ना दो मंत्रालय है दो मंत्रालय और दो मंत्रालय कौन कौन सा है तो आप कहेंगे सबसे पहले देखा जाए तो एक आपका कौन सा है डी ई आई टी वाई ये डी टी है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये डी ई आई टी वाई का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो ये आप डी टी मंत्रालय हो गया पहला दूसरा बात यहाँ पर ध्यान देना है एक मंत्रालय और है जिसे कहा जाता है क्या चीज़ ये आपका डी ए आर पी जी है यानी इसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ये डिपार्टमेंट लिखाऊँ डी ई डब -E पी डबल टी मतलब डिपार्टमेंट है याद रखिएगा ये डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव 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 ये क्या लिखा है रिफॉर्म एंड यहां पर नोटिया लीजिएगा एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज है ना इसको बोलते हैं ग्रीवेंसेज तो ये आपका राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रोग्राम अगर देखा जाए तो दो मंत्रालय के द्वारा इसको चालू किया गया है दो मंत्रालय कौन कौन है तो एक डीटी मंत्रालय है और एक आपका कौन सा मंत्रालय है डीएआरपीजी है जिसे कहा जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रेवेंसिस कहा जाता है तो ये दो प्रकार का डिपार्टमेंट है यही दो डिपार्टमेंट इसको क्रियान्वित कर रहा है तो ये बात एकदम ध्यान दीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है है ना ई गवर्नेंस चल रहा ध्यान दीजिएगा अगला सवाल देखा जाए अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं, है।, कौन सा सुमेलित नहीं है, जा रहा है तो यहां पर आपको बताने का प्रयास करना है कि एस डी सी स्टेट डाटा सेंटर यानी एस डी सी का मतलब हुआ स्टेट डाटा यानी देखा जाए तो ये सभी के सभी जो आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस प्रोग्राम है इसके अंतर संचालित कुछ मुख्य घटक हैं ये सब घटकों की बात कर रहा है जैसे एस है एन है एस एस है एम एस है ये सब किसके अंतर्गत संचालित है तो आप कहेंगे एन ई जी पी यानी जी पी का मतलब क्या होगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस प्रोग्राम के अंतर्गत संचालित कुछ मुख्य घटक हैं ठीक है ना अब देखिए एस डी जी का मतलब होता है स्टेट डाटा सेंटर कहा जाता है यहाँ पर एन एस डी जी का मतलब है नेशनल गवर्नमेंट गवर्नमेंट नहीं होता है पहली बात गवर्नेंस होता है ना तो ये पकड़ा गया है चोर यहाँ पकड़ा गया है देखा यहाँ पर नेशनल गवर्नेंस यानी इसका पूरा नाम क्या है तो आप कहेंगे गुरु जी इसका पूरा नाम यहाँ लिख दिया जाए इसे कहा जाता है नेशनल ई गवर्नेंस नेशनल ई गवर्नेंस क्या है ई गवर्नेंस नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी गेटवे गेटवे इधर देखिएगा यानी एन एस डी जी का मतलब हुआ नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी गेटवे कहा जाता है ये सभी सभी क्या है एन ई जी पी के मुख्य घटक हैं ये मुख्य घटक कहे जाते हैं यानी ये सभी कंपोनेंट हैं जिसके द्वारा ई गवर्नेंस संचालित हो रहा है जिसके द्वारा ई गवर्नेंस आपका संचालित हो रहा है तो आपके सवाल का आंसर भी यही गड़बड़ है यही मिल गया बाकी सब देखिए एस एस डी जी का मतलब स्टेट ई गवर्नेंस गवर्नमेंट इन सर्विस डिलीवरी गेट वे लाउ जहाँ पर गवर्नमेंट लिखा सब गड़बड़ है यहाँ पर गवर्नमेंट जहाँ लिखा सब गड़बड़ है <laughs> हमें लगता है टाइपिंग में मिस्टेक हुआ ये गवर्नेंस है ये क्या है गवर्नेंस है गवर्नेंस है यहाँ भी क्या है गवर्नेंस है, गर्मेंस है। है ना मतलब इस सवाल का मेन उद्देश्य ये पूछना था कि कौन सही से सुमिलित नहीं है तो सुमिलित सही से बी नहीं था लेकिन ये मिस्टेक है टाइपिंग मिस्टेक है सब गवर्नेंस है गवर्नमेंट नहीं है गवर्नेंस है तो इसको सुधार लीजिएगा बाकी सब एकदम सही है एग्जैक्ट है तो आपके सवाल का आंसर यहाँ बी हुआ नेक्स्ट सवाल देखा जाए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान कब प्रारंभ हुआ है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रोग्राम कह रहा है कब प्रारंभ हुआ है कब प्रारंभ हुआ किसकी बात हो रहा है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रोग्राम चलिए सभी लोग बताइए सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा सवाल का आंसर बताया भा अंजलि बताइए कमलेश जी जी मौर्यासी सी कह रहा है, राष्ट्रीय गवर्नेंस प्लान कह रहा कब आया तो सही बात है एकदम आसान सवाल है 2006 में आया है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान कब आया 2006 में आया है ठीक है ना और कौन सा मंत्रालय कर रहा मैं पीछे बता दिखा तुक, हूं एक आपका डी है और डी ए आर -पी, पी है तो एक मंत्रालय कौन सा है तो आप कहेंगे डी ई आई टी वाई डी टी है एक मंत्रालय और दूसरा कौन सा है तो आपका डी ए आर पी जी है तो दो मंत्रालय इसको क्रियान्वित कर रहा है है ना ये मंत्रालय है मंत्रालय द्वारा क्या है क्रियान्वित है क्रियान्वित चलिए बात समझ गए नेक्स्ट सवाल सी का पूरा नाम क्या है सी का मतलब आप जानते हैं तो बड़ा आसान सवाल है कहेंगे आओ सनम जाओ सनम सी का मतलब होता है कॉमन सर्विस सेंटर होता है ना सी का मतलब कॉमन सर्विस सेंटर होता है कॉमन सर्विस सेंटर होता है कॉमन सर्विस सेंटर होता है कॉमन सर्विस सेंटर हो गया ये हो गया अगला देखा जाए किसानों तक कार्य की जानकारियां समय पर पहुंचाने के लिए क्या बनाया गया है क्या बनाया गया है ला क्या बनाया गया है देखिए एक जबाना हुआ करता था एक जवाना हुआ करता था एक जवाना हुआ करता था कब का तो आप कहेंगे वर्ष 2000 2010 तो तो दो हजार दस दस का जवाना था और इसमें याद रखिएगा सबसे पहले स्टार्ट हुआ था राष्ट्र कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस क्या हुआ था तो आप कहेंगे कृषि में कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस लिखा होगा यहाँ पर कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस तो ये आपका स्टार्ट किया गया था कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस और इसके माध्यम से किसानों को कार्य की सभी जानकारियां समय समय पर यहाँ प्राप्त हो जाता है ठीक है ना तो ये कृषि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कहा जाता है इसके अंतर्गत जो भी किसान होता है वो कोई भी जानकारी आप आ, आसानी से प्राप्त कर सकता है इसके अंतर्गत है ना न्यूज आता है समाचार आता है बताया जाता है कि खेत में क्या डालना क्या नहीं डालना तो ये सभी प्रकार की जानकारी किसानों को यहाँ पर मुहैया किया जाता है यहाँ पर कह रहा है कृषि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कब प्रारंभ हुआ कृषि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस वही पीछे वाला सवाल की बात कर रहा है ये वही सवाल पीछे वाला है बताइए सभी लोग सी एस सी स्पेलिंग रंग है क्या कमलेश सी एस सी कॉमन सी ओ कॉमन सर्विस हाँ ये स्पेलिंग गलत है एकदम सही बात है स्पेलिंग एकदम सही बात है वाह क्या बात है कमलेश जी तो ये है कॉमन सर्विस सेंटर है वो टाइपिंग मिस्टेक है ठीक है तो सवाल का आंसर एकदम सही है यहाँ देखा जाए कृषि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस की शुरुआत कब हुआ था चलिए सभी लोग बताइएगा कब हुआ था प्रारंभ कब हुआ प्रारंभ बताओ आओ। तो पीछे बताइए चौधरी साहब चलिए तो बात आप समझ गए हैं ये स्टार्ट कब हुआ है 2010 हजार में 2010-11 में पीछे यहाँ पर लिखा हुआ था 2010-11 में स्टार्ट किया गया है नेक्स्ट सवाल देखा जाए नवाब दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहु बेगम का मकबरा निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है किस स्थान पर अवस्थित है तो आप कहेंगे गुरु जी ये तो फैजाबाद में अवस्थित है ना फैजाबाद फैजाबाद आप जानते ही हैं जहाँ पर फैजाबाद में फांसी पर लटका फांसी पर फांसी दे दिया गया था किसको अशफाकुल्ला खान साहब को अगला देखा जाए तीव्र औद्योगिकीकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित किया करेगी कहाँ करेगी तो आप कहेंगे कहाँ करेगी तो यह करेगी ग्रेटर नोएडा में तो ग्रेटर नोएडा आपके सवाल का आंसर हो गया अगला सवाल देखा जाए अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि दोनों इंडेक्स आपको मिलान करना है सोनभद्र किसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है सोनभद्र आप जानते हैं चूना पत्थर के लिए फेमस है बहुत ज़्यादा चार हो गया इलाहाबाद किसके लिए बड़ा फेमस है इलाहाबाद की बात कर रहे तो इलाहाबाद शीशे वाली बालू के लिए बड़ा फेमस है तीन हो गया इसके बाद देखिए ललितपुर आप जानते हैं तांबा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है क्या हो गया दो हो गया बच गया है मिर्ज़ापुर नॉन प्लास्टिक फायर हो गया एक हो गया तो चार तीन दो एक चार तीन दो एक क्या हो गया बी हो गया सवाल का आंसर बी हुआ ना कहेंगे जी हाँ अगला देखिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए उत्तर प्रदेश का गुरु गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाओ और बलिहारी गुरु आपने ब्यास दियो बताए ब्यास दियो बताए ब्यास दियो बताए चला संपन्न नहीं नहीं अभी है चलिए आगे देखा जाए उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है सोयाबीन देखिएगा यह एक प्रकार का तिलहनी फसल है तिलहनी फसल है तिलहनी फसल कहा जाता है और एक प्रकार का दलहनी फसल भी कहा जाता है एक प्रकार का दलहनी फसल भी कहा जाता है तो दोनों प्रकार का फसल है ये कौन तो सा ये सोयाबीन है वही सोयाबीन है जिसमें प्रोटीन की मात्रा 42 परसेंट पाया जाता है आप जानते हैं कि 42 परसेंट सर्वाधिक पाया जाता है और जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन का काम करते हैं यही पौधे करते हैं जो भी दलहनी फसल होते हैं जितने भी दाल वाले फसल होते हैं जिसमें प्रोटीन निर्माण होता है जो भी फसल प्रोटीन का निर्माण करे वो ध्यान देना है वही नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम वही करता है कहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र में जैसे देखा जाए मान लीजिए कोई पौधा है मान लीजिए कोई पौधा है ये मान लेते हैं कोई पौधा है ठीक है ये आपका मान लेता हूँ कोई पौधा तो इसकी जड़ें इस तरीके से है ना नीचे की तरफ जाएंगी कहेंगे जी हैं जाएंगी इनके जड़ों में यहाँ पर पाए जाते हैं कुछ वायरस कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं इनका नाम है राइजोबियम ये आपका राइजोबियम बैक्टीरिया है राइजोबियम बैक्टीरिया ये राइजोबियम बैक्टीरिया यानी जीवाणु है और ये जीवाणु इस दलहनी फसल के दाल दलहनी फसल के जड़ों में रहते हैं वातावरण में आप जानते हैं नाइट्रोजन गैस है तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस पौधा डायरेक्ट नहीं ले पाता है ये नहीं कि हाँ नाइट्रोजन एटमोसफियर में ले लेगा हाँ चाचा करके नहीं ले पाएगा तो ले नहीं पाएगा तो उसके लिए ये नाइट्रोजन को क्या करता है ये इसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है कौन यही यही जो आपका राइजोबियम बैक्टीरिया है तो ये पूरी तरीके से आकर्षित कर लेता है और जा करके पौधों को दे देता है कहता लो भैया तुम्हारे लिए व्यवस्था हो गया माल पानी का आओ इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन यही आपका नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है स्थरीकरण स्थिरीकरण कहा जाता है कौन सा नाइट्रोजन स्थिर लिखा है ये। नाइट्रोजन कर। ठीक है अंजलि थैंक यू थैंक यू बेटा थैंक यू तो ये क्लियर हो गया समान आगे देखा उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना कहां हो रहा है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना कहाँ पर हो रहा है उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है कहाँ पर हो रहा है तो आप कहेंगे झांसी में सवाल उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाकना उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है बी आ रहा सभी लोगों का सही बात है बताइए स्थापना कब हुआ सभी लोग बताइए एक बार कमेंट करिए फटाक से ना स्थापना कब है हुआ कब हुआ कब हुआ कब हुआ? हुआ? हुआ जल्दी बताइएगा बताओ बहुत अच्छी बात है शानदार आंसर है जी मौर्या जी का अनुज जी का है आंसर बहुत अच्छा है शानदार लॉरेंस जी हैं एंड संजय सिंह हैं, बहुत अच्छा तो ये हुआ है अठारह ईस्वी में स्थापना हुआ है नेक्स्ट सवाल देखा जाए अगला सवाल देखिए अगला है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ट अवस्थित है तो आप कहेंगे गुरु जी कहाँ पड़ता है कानपुर में पड़ता है याद रखिएगा नेक्स्ट सवाल देखा उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितना है ये भी आपको कमेंट करके बताना है तो दो सवाल एक पीछे और एक है दो सवाल दे दिया हूँ एक आपको काम मिलेगा अभी तीन हो गया उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति का स्थापना कहां पर किया गया है तो आप कहेंगे कहां पर इलाहाबाद में किया गया है ठीक नेक्स्ट सवाल देखा जाए ये सवाल है आपके लिए काम दिया गया यानी तीन सवाल आज काम मिला है दो सवाल मैंने दिया है एक सवाल आपका एमडी होमवर्क है एमडी की तरफ से एमडी क्लासेस की तरफ से होमवर्क है मुख्यमंत्री कौन नहीं रहे आपको बताना है ठीक चलिए तो आज का सेवा संपन्न हुआ ज़्यादा आप ध्यान दीजिए बी वाले पर ठीक है यूपी वाला सभी लोग कर लेंगे ये यूपी एग्ज़ाम स्पेशल में जितने भी आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सभी में बी पी ओ जूनियर लेखपाल आप प्राप्त कर सकते हैं नाइन 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 भाई है ना जिन लोगों ने ऑफर का मौका फ़ायदा नहीं लिया होगा अभी इतने में लेना पड़ेगा ठीक है तो इसको आप ले सकते हैं ले करके तैयारी बेहतर कर सकते हैं और पेड क्लासेस में जा करके वो कोर्स देखिए और उसको अगर अच्छा लगे तो लीजिए पढ़ाई अपना खूब बेहतर करिए जी के जी एस भाई वर्मा सर है एमडी क्लासेस आप सभी लोग हमसे यहां जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे ये थैंक यू सो मच कहा जा रहा है थैंक यू सो मच कहा जा रहा है कि अपना कीमती वक्त कुमार वर्मा के नाम किया आपने चलिए बहुत 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 धन्यवाद है आप सभी मित्रों को ठीक है वाह वाह क्या बात है <laughs> चलिए इसी के साथ दोस्तों थैंक यू सो मच टेक केयर बाय गुड नाइट शराब की जय हो <laughs> क्या गजब का आपने लिखा था अनुज कुमार शुक्ला कहे गुरुजी बहुत बढ़िया क्लास चल रहा आपका हाँ पूरे यूट्यूब पे शानदार क्लास आपका लिखने जा रहे थे लेकिन लिख दिए शराब क्लास आपका <laughs> बहुत अच्छी बात है होता है होता है लेकिन गुरु गुरु होता है बाबू ठीक है चलिए कोई बात नहीं है थैंक यू सो मच टेक केयर बाय गुड नाइट